कार फेस टू फेस पे दोस्तों आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक बजाज और मैं हूँ को फाउंडर स्टॉकेज और रियल मार्केट्स का दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग मतलब छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और पूरे उनके जर्नी को छोटी कंपनी जब बड़ी होती है और आप पैसे कमाना चाहते हैं अगर उस प्रोसेस में आप घुसना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा बिकॉज़ आज जो मेरे गेस्ट आए हैं कैलकटा ये फेस टू फेस रिकॉर्ड करने वो स्मॉल कैप चैम्पियन है और ऐसा नहीं है कि सालों साल से वो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की जर्नी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन छोटे से कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आज इतना कुछ सीखने को मिलेगा एकदम फ्री फ्लो डिस्कशन होने वाला है लंबा चलने वाला है तो लास्ट तक रहिएगा और पूरा मज़ा भी लूटिएगा और लर्निंग भी पूरी तरीके से लीजिएगा तो मैं वेलकम कर रहा हूँ आज के फेस टू फेस के लिए प्रशांत मिश्रा जी को डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी थैंक यू वेरी कैसे है सर ऑल वेल ऑल वेल पहले थैंक यू सो मच एक तो आप डॉक्टर हैं और आप कैलकटा आ गए और रिकॉर्ड कर रहे मतलब इट्स लाइक अ प्लेजर फॉर मी देखिए स्टॉकेज एंड स्क्रीनर ये दो ऐप हैं जिससे मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई है अच्छा सो दे आर माई मीन बोथ ऐप्स आर माई गाइड सो अगर आप बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा तो डॉक्टर साहब मैं आपको डॉक्टर साहब बोलना चाहते हाँ मुझे बहुत प्यारा लगता है ये ये यूजेज ना तो पहले तो आपके बारे में जानेंगे क्योंकि मैं आपके साथ जब बात कर रहा था तो समझ में आया था कि ऐसा नहीं कि आप दस पंद्रह बीस साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो कब चालू किया क्यों किया क्या सिचुएशन बनी कि आप इन्वेस्टिंग किए और उसके बाद चलेंगे कि एक कंपनी को पकड़ के समझेंगे बेसिकली uh, जस्ट मैं आपको मेरा बैकग्राउंड बताता हूँ आई एम फ्रॉम एक एमपी से काफ़ी छोटी जगह है शुजालपुर बिलोंग टू दिट प्लेस एंड एम बी बी एस एंड एम एस मैंने इंदौर से एम जी एम मेडिकल कॉलेज से किया है देन टू थाउजेंड थ्री में आई केम टू मुंबई फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन सो आई डिड माई दिस कार्डिक सर्जरी सुपर स्पेलाइजेशन इन के एम हॉस्पिटल मुंबई विच इज़ अ वेरी फेमस हॉस्पिटल फिर उसके बाद टू थाउजेंड सिक्स टू टू थाउजेंड फोर्टीन में टू थाउजेंड फिफ्टीन में आई वॉज इन केज ए असिस्टेंट प्रोफेसर देन एसोसिएट प्रोफेसर देन टू थाउजेंड फिफ्टीन आई वॉज ट्रांसफर टू साइन हॉस्पिटल साइन हॉस्पिटल इज ऑल्सो बी एम सी हॉस्पिटल ओके सो बी एम सी हॉस्पिटल में आई वॉज ट्रांसफर नाउ एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी इन सैन हॉस्पिटल ओके बट मेरा इन्वेस्टिंग जर्नी इफ यू मीस इफ यू आस्क देन प्रॉबलीट इज अट ऑफ यू कैन टेल मी रिवेंज इन्वेस्टर बिकॉज वॉट हेपन इन टू थाउजेंड सिक्सटीन मेरे लेफ्ट आई में रेटनल डिटैचमेंट हुआ अच्छा तो so, uh, रेटनल डिटेचमेंट में नॉर्मली वॉट uh, में, जो मैंने पढ़ा है आर्टिकल्स जितने ऑलमोस्ट सेवेंटी एटी परसेंट लोगों का विजन डिमिनिश हो जाता है चला जाता है ओके आई वॉज लकी कि 2016 में, में से 2017 थाउजेंड uh, कुछ सिक्स मंथ्स के ड्यूरेशन में, में मेरा ऑलमोस्ट चार से पांच सर्जरी हुआ एंड माय विजन वाज नॉर्मल आफ्टर दैट सिक्स टू सेवन सर्जरीज लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि फॉर कार्डेक्सन आईज आर एवरी अगर आगे जाके वापस कुछ होता तो देयर शुड बी समथिंग इन्वेस्टिंग के लिए मीन्स टू जनरेट सम मनी और समथिंग लाइक दैट सो दैट टाइम आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग सो पहले मेरा एक फ्रेंड था उसके थ्रू uh, इन्वेस्ट करना चालू किया सो टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन से टू थाउजेंड सेवनटीन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग शुरू के एक दो शेयर्स थे उसमें थोड़ा फायदा हुआ तो मेरे को लगा दिस इज द वे ऑफ इन्वेस्टिंग कि उसने जो बोला आ, अपन वॉट मीन सेम खरीदो और उससे आप यू कैन मेक प्रॉफिट बट आई थिंक भगवान को भी एक शायद लेसन देना था पहला लेसन भगवान ने दिया कि डोंट डिपेंडेंट ऑन वन थिंग कार्डिक सर्जरी में डिपेंडेंट नहीं रहो यू शुड अनदर सोर्स ऑफ इनकम ये दूसरा एक लेसन था uh, भगवान की तरफ से कि डोंट डिपेंडेंट ऑन एनी बडी सो so, क्या हुआ वो जो मेरा फ्रेंड था ये मेरा लर्निंग था लर्निंग है एक्चुअली से इंडस्ट्रीज एक कंपनी थी उसके बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान थे आई थिंक सम चार पाँच सौ करोड़ की कंपनी थी बड़े एक्सपेंशन प्लान थे सेवन हंड्रेड करोड़ का एम्बिशस एक्सपेंशन एं, प्लान था सो ई टोल्ड मी कि ये चार सौ पाँच सौ का स्टॉक है ये दो साल में दो हजार चार हजार रुपया हो जाएगा

आज तक मैंने इंडस्ट्रीज के शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं क्योंकि oh. जब भी मैं ओपन करता हूँ तो उसमें मेरे को दिखता है सो इट इज़ से लेसन फॉर मी कि वॉट नॉट टू डू सी आप अगर इफ यू कंपेयर उस समय मैंने दो शेयर्स खरीदे इसके बाद mm. इसी समय जब mm. ये शेयर खरीदे थे मैंने थोड़ा दिमाग लगा के उस समय मैंने दीपक नाइट्रेट खरीदा आई mm. थिंक दीपक नाइट्रेट दैट टाइम वॉस टू थर्टी फाइव रुपीज जब ये एंड आई थिंक दोनों का शायद मार्केट uh, का आई डोंट रिमेंबर बट वाज आई 2017 में hmm. it was, I think, somewhere 200 ah, वही ah, 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 so, ये मैंने मेरा दिमाग लगा के खरीदा ah. उस समय एंड वो किसी दूसरे के दिमाग से खरीदा एंड इधर व्हाट हियर व्हाट आई डिड आई इंक्वायर अबाउट द प्रमोटर रेपुटेशन उनका एंबिशन एंड एक दो केमिकल डीलर से बात किया एंड mm. उस से हमें आई हैव नॉट डन दिस थिंग सो रिजल्ट इज सिमिलर रिजल्ट इज इविडेंट एक्चुअली ये 235 से आठ 2000 हो गया एंड mm. वो 600 से 30 रुपए हो गया सो दिस वाज माय फर्स्ट लर्निंग कि नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी यू डू योर ओन रिसर्च एंड आई थिंक मींस मेरा जो एक अप्रोच रहता है कि uh, कंपनी के बारे में ऑनफील्ड रिसर्च इज ऑल्सो नेसेसरी सो फ्रॉम देर आई स्टार्ट सो टू थाउजेंड एटीन में फिर क्रैश आया एक्चुअली क्रैश hmm. के बाद पोर्टफोलियो का जो कचरा हुआ हुआ बट देट टाइम आई डिसाइडेड कि एक बार पैसा गया है अभी वो तो कमाना तो है ही मार्केट में गया मार्केट से ही कमाना है सो देट्स वाई आई लेवल माई सेल्फ एज ए रिवेंज इन्वेस्टर कि वो जो पैसा गया था उसको रिवेंज में कमाने के लिए आई बिकमें सो आफ्टर दैट वॉट अपन की आई स्टार्ट रीडिंग मोर एंड मोर टिल दैट टाइम मुझे एक ऑन कॉल एनुअल रिपोर्ट क्रेडिट रिपोर्ट ये सब काफ़ी मीन्स आइडिया नहीं था बट आई स्टार्टेड रीडिंग टू थाउजेंड नाइनटीन ऑनवर्ड आई स्टार्ट रीडिंग सो एंड माई रीडिंग टाइम मोस्टली मेरे घर से uh, साइन जाना मीन्स ऑलमोस्ट वन आवर आना वॉज टू आवर्स सो तीन घंटा वॉज माई रीडिंग टाइम सो so, तीन घंटा मेरे को मिलता था विच आई यूज टू यूटिलाइज़ फॉर रीडिंग ओनली सो फिर सन्डेज संडेज़ को रीडिंग ऐसा कर करके कर, कर, एक रीडिंग हैबिट बन गया रीडिंग हैबिट बन गया फिर डिफरेंट uh, कंपनीज uh, के बारे में एनालिस जो भी अपना एनालिसिस जो भी चालू किया सो Uh, 2019-18 में आई थिंक 2019 आई थिंक हाँ 2019 uh, मैंने एक स्टॉक देखा डिक्सन uh, देखा 2000 आई mm. थिंक 19 का बात है 2000 mm. करोड़ मार्केट कैप था इट वाज 2000 रुपीस रुपीज स्टॉक mm. एट 2000 करोड़ मार्केट कैप एंड आई थिंक दिस इज समवेयर इन नवंबर 2018 आई थिंक नवंबर 2018 थाउजेंड समवेयर अराउंड 1800 का था एटीन समय mm. 1800 टू 2000 2000 रुपीस रुपीज स्टॉक तो ये मैंने क्यों लिया ये मैंने में, इसका जस्ट मीन्स आई सॉ इस मार्जिन प्रोफाइल इन ऑल दो थिंग एंड क्लाइंटल सो आई रियलाइज कि इतना बड़ा मीन्स इतने सारे कस्टमर्स को डिक्सन सर्व कर रहा है विथ थ्री टू फोर टू पॉइंट फाइव टू थ्री परसेंट मार्जिन एंड दे आर सर्विंग ऑल एम एन सी पीपल एम एन सी कस्टमर्स विथ टू पॉइंट फाइव टू थ्री परसेंट मार्जिन सो मेरा यहाँ पे कंसेप्ट था कि ये खुद ही एक इसका hmm. मोट है मीन्स अगर इसका कोई कॉम्पिटिटर आएगा सो तो उसको ढाई से तीन परसेंट मार्जिन में एमएनसी कस्टमर को सेम क्वालिटी सपोज मेरे को या आपको कोई बिजनेस लगाना है सो यू विल लुक फॉर हाई मार्जिन बिजनेस देन लो मार्जिन बिजनेस सो आप देखेंगे बीस परसेंट मार्जिन किस में आप ढाई परसेंट मार्जिन वाला बिजनेस में आई थिंक यू विल नेवर गो और जगह का है और उस, उसने जगह छोड़ा उस, ही नहीं है और उसने इतना इंफ्रा क्रिएट करके रखा हाँ। है एमएनसी टाईअप है सो so आप वो एम को उनसे ब्रेक करके डिक्सन से ब्रेक करके ढाई परसेंट के मार्जिन के बिजनेस के लिए इतना इंफ्रा खड़ा करके कौन हु विल गो एंड दिस ना करेक्ट सो देट टाइम आई स्टार्टेड बाइंग दिस डिक्सन टेक्नोलॉजी उसके बाद एवरीथिंग इज हिस्ट्री नाउ आई थिंक इट इज समवेयर अराउंड बो नो नो स्प्लिट स्प्लिट आई थिंक दिस इज ना छह सौ हो गया uh,

उसका भी सेम कंसेप्ट आर फ्रॉम दे आर सर्विंग ऑल दिस सीज हिंदुस्तान फूड क्या सर हिंदुस्तान फूड्स ओके सो आई थिंक इनका वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंटल इज दिस हिंदुस्तान यूनिलीवर सो इनका भी सेम थ्री फोर परसेंट मार्जिन मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फोर परसेंट आई थिंक फोर परसेंट मार्जिन सो सेम दिस वॉज द सेम थाट फॉर दिस हिंदुस्तान फूड्स सो आप देखेंगे अभी भी इट वू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बट स्टिल समवेयर अराउंड थ्री टाइम्स फ्रॉम दैट माय बाइंग प्राइस सो दिस वाज माय कंसेप्ट फॉर दिस टू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओके बिकॉज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना विद लो मार्जिन सो दे इट सेल मेरे हिसाब से आई मे बी रॉन्ग इलॉजिकल हो सकता है बट मेरे को लगता है ये दिस इट सेल्फ अ मोट लो मार्जिन बिजनेस विद इफ यू आर मैं questions भी भी आप, आ, ये। कि आप ये आज हम लोग हाइन साइड में देख रहे हैं स्टॉक सही आपके बैठ थे उस समय ये स्टॉक इंफॉर्मेशन मिली कैसे आपको स्टॉक इंफॉर्मेशन मीन गूगल एनुअल रिपोर्ट स्क्रीन एच एंड स्क्रीनर तो कितना बहुत सारी कंपनीज है अब उनमें से यही कंपनी आपको कैसे मिली सी इट्स ऑल रेंडम मीन्स माय हैबिट इज की एटलीस्ट वीक में दो या तीन कंपनी के बारे में पढ़ना सो so, महीने में अगर दस या पंद्रह कंपनी के बारे में पढ़ा तो एक या दो कंपनी जो है जो मेरे पैरामीटर्स में जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको और मैं ज़्यादा डिग करता हूँ उसको और अल्टीमेटली मीन्स सो कंपनी को डिक करो आप एनालिसिस करो तो एक या दो कंपनी या तीन कंपनी अच्छी लगती मीन्स मीन्स मेरा कंसेप्ट है कि जस्ट कंटिन्यू टू रीड रीड एंड सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट सम गुड आइडियाज एंड मोर लाइक ऑब्जर्वेशनल माय माय मोर आइडिया मीन्स माय इन्वेस्टमेंट इज मोर लाइक ऑब्जर्वेशन बेस्ड जस्ट रिसेंट एग्जाम्पल ऑलमोस्ट आई थिंक सम्स सेवन मंथ सिक्स सेवन मंथ बैक Uh, मैं मेरे uh, फ्लैट से जब भी बाहर आ रहा था तो आई सा कारपेंटर उसके हाथ में एक बकेट था तो दैट वुड एडेस यूरो सेवन थाउजेंड इट वॉजन यूरोवन थाउजेंडेंट सो आई कि जस्ट एज ए क्यूरोसिटी कि नॉर्मली दिस वेवी इज सीन ये यूरो सेवन थाउजेंड क्यों लिया सो ही टोल्ड मी कि सर uh, ये प्रोडक्ट इज सेम लाइक ये लाइट क्वालिटी दे आर ऑफरिंग कारपेंटर लॉयलिटी प्रोग्राम सो कारपेंटर को दे गिव सम्स और समथिंग लाइक देट अच्छा विच कैन बी रिडीम अगेंस्ट दैट अभी मेरे या आपके घर में अगर कोई कारपेंटर आता आप कोई कारपेंटर काम के लिए बुलाते हैं कि uh, हाँ. ये फर्नीचर सुधारना है आप हाँ. आप उसको ये नहीं पूछेंगे कि आप uh, फेविकॉल लगा रहा है कि यूरो लगा रहा है आप आ, उसको बोलेंगे कि ये ठीक कर दे हाँ। तो यूरो उसका पास था फिर आ, जहां मैं रहता हूँ कांदीवली एरिया बोरीवली एंड कांदीवली में आई इंक्वाइट ऑलमोस्ट सम समिफ्टीन हार्डवेयर स्टोर्स अबाउट दिस तो वॉट आई फाउंड की ऑलमोस्ट थर्टी फोर्टी परसेंट डीलर्स दे आर नाउ हैविंग दिस यूरो यूरोवन थाउजेंड वु फिर मैंने उसका फीडबैक भी लिया बोला एक बार जो इसका कस्टमर होता है वो उसका आ, कंटिन्यू करता है जो प्रोडक्ट यूज करना कंटिन्यू करता है फिर मैंने उसका जस्ट ये देखा अपना प्रॉफिट लॉस ये सो आई थिंक वन टू करोड़ प्रॉफिट से अभी इट इज नाउ आई थिंक क्वार्टरली फाइव करोड़ प्रॉफिट क्या क्या नाम है uh, ज्योति रेजिन से oh, okay. so, देखेंगे अभी फाइव करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट नाउ दे आर एक्सपेंडिंग रिसेंटली दे डिड सम एक्सपेंशन they are going to some more research hmm. so i think now profit quarterly is around 5 crores को 5 crores 5 crores so mere ko lagta hai ek jo transition hota hai ek ek crore profit se yeah. ek crore profit see uh, another my uh, this buying choice would be this uh, inflection point I mean like कोई कंपनी साल में दो चार पाँच करोड़ कमा रही है सो आई थिंक उसका uh, एक रैपिड प्रोग्रेस वुड बी लिटिल बिट आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट hmm. वो एक दो चार करोड़ पाँच करोड़ साल से जैसे ही वो एक बीस पच्चीस करोड़ में आती है तो उसका जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मीन दैट इज आई थिंक दैट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट उसके बाद जब आपके पास एक 20-25 करोड़ आता है तो आप यू कैन ग्रो बिजनेस इन रेपिड वे बराबर सो दिस स्टॉक आई बॉट एट आई थिंक 300 करोड़ मार्केट के रिसेंटली दैट टाइम आई थिंक 800 हंड्रेड रुपीज वॉज द प्राइस अभी साढ़े सात सौ करोड़ हाँ हाँ सो आई वॉट इन एट हंड्रेड रुपीज इन टू फोर्टी ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड करोड़ मार्केट के थ्री हंड्रेड करोड़ सो दिस वॉज माई चॉइस फॉर दिस ज्योति रेजिंस एंड एडेस बट एक मतलब ये तो आपने एक थीम पकड़ा प्राइमरी रिसर्च से थीम आइडेंटिफाई किया और फाइनेंशियल्स देखा थोड़ा मैं फाइनेंशियल्स में और घुसता हूँ कि खाली आप मार्जिन देख के तो नहीं डिसीजन नहीं, नहीं, मार्जिन एंड डेट आप देखिए डेट फ्री कंपनी अच्छा डेट फ्री कंपनी है प्रमोटर्स रेगुलरली बाय कर रहा है इसमें आ, अभी भी मीन फोर्टीन फिफ्टीन हंड्रेड के लेवल्स पे प्रमोटर ने बाय किया है नॉन करेंट लाइबिलिटी एकदम नहीं है जीरो हाँ एंड सी आई एम नॉट ए वेरी दिस ग्रेट फंडामेंटल एनालिस्ट जो कि मीन्स uh, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आप अगर इसको ट्विटर पर सर्च करेंगे तो यू विल गेट वन आर्टिकल अबाउट ज्योति रेजी एक ही नेगेटिव जो मेरे को लगता है वो किसी ने मनी लाइफ में इसका एक आर्टिकल आया था आई थिंक 2016 में कि प्रमोटर ने प्राइस जीरो से बीस रुपए से हंड्रेड रुपीज लेके गया तो वेन आई पोस्टेड अबाउट जो ज्योति सो सम ऑफ ही पोस्टेड दैट आर्टिकल कि ये उसका नेगेटिव पॉइंट है बट मेरा क्या कंसेप्ट है विवेक जी कि जैसे मैं मेरा बताता हूँ हमारे कम्युनिटी uh, में जब भी शादी uh, करने के लिए जाते हैं हाँ। तो कुंडली में 36 गुण मिलाते हो गुण किसी के मिलते नहीं है। और आप छत्तीसगढ़ मिलाने जाएंगे ना तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी भगवान राम के मिले थे खाली हाँ तो, हाँ, तो, तो भगवान राम के बाद तो अभी तो कोई भगवान राम आज की तारीख में है नहीं। तो आए नहीं। उसके हाँ, सो अगर आप सब चीज मिलाने जाएंगे की अच्छे मार्जिन जीरो डेट हो एक्सीलेंट प्रमोटर हो गुड आर हो गुड आर हो और गुड मार्जिन हो प्रोडक्ट प्रोफाइल अच्छा हो अगर सब मिलाएंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं वो शेयर स्मॉल केप में स्पेशली वो लार्ज केप में मिलते हैं क्योंकि स्मॉल केप कैप स्मॉल केप में आपको आई थिंक सम थिंग मीन्स आपको यू शुड लुक फॉर प्रोमोटर उसका बिजनेस के लिए इंटीग्रिटी एंड उसका ग्रोथ ओरिएंटेशन रादर देन छोटी मोटी चीज़ें uh, आप मीन्स मेरे ख्याल से आप एक से दस में नंबर अगर देते हैं दस में से अगर सात या आठ नंबर भी फुलफिल होते हैं तो यू शुड बाय इट फॉर एग्जांपल बालाजी एमआईस बालाजी एमआईस आई बॉट समवेयर अराउंड 380 रुपीस तब भी उसका मार्केट कैप वाज 1000 करोड़ इन कोविड लो बालाजी एमआईस आई थिंक इट इज टू इन 2020 इट वाज सम 1000 करोड़ मार्केट कैप 2020 मार्च में 600 का भाव था नहीं नहीं उससे भी पहले आप मार्च में देखिए मार्च अब फेब मार्च में थ्री नाइन्टी सेवन से आप मेरा अगर ट्विटर पे नोट्स देखेंगे ना सो आई हाँ थ्री नाइन्टी सेवन के भाव से मैंने बिकॉज उस समय स्ट्रीट को स्ट्रीट इसका लार्जर पिक्चर छोड़ के इसका सी, आप इसके एक्सपांशन प्लान देखेंगे सारा एक्सपांशन प्लान उनका सारा इट वॉज देयर इन देवर डूंग कॉन कॉल एनुअल रिपोर्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड काफी लोग जो थे उसमें वो सब छोड़ के वो क्या देखते थे कि मिस कैपिटल मिस एलोकेशन बिकॉज दे स्टार्टेड होटल बिजनेस इन सोलापुर एंड CFL business was बिजनेस वॉज इन वॉज लॉस मेकिंग सो आपने ब्रॉडर जो ग्रीन पिक्चर छोड़ के वो माइनर रेड चीज़ों पे आप अगर इफ यू डोंट इन्वेस्ट देन यू कॉन्ट मेक मनी इन स्मॉल कैप इन माइक्रो कैप अभी आप देखिए दे द वे दे आर डूइंग एक्सपेंशन लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट दिस आई टू के थाउजेंड करोड़ मार्केट कैप अभी लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट वॉज हंड्रेड एंड एट करोड़ नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर का परसों आपका रिजल्ट आया ये रहा एक सौ तीस करोड़ हाँ एक सौ तीस इज इवन दे आर हैविंग दिस नॉन कंट्रोलिंग स्टेक ऑन सम कंपनी सो देर एक्चुअल प्रॉफिट इज हंड्रेड एंड एट करोड़ एंड दे आर वर्किंग ऑन ऑल इंपोर्ट सब्सिट्यूट अभी आप उसके प्रोडक्ट्स देखेंगे कल यस्टरडे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ट्विटर पोस्टेड दैट दिस इज प्लानिंग टू सेट अप दिस पॉलीकार्बोनेट प्लांट सो पॉलीकार्बोनेट इज ए इंपोर्ट सब्सटीट्यूट नो नोबडी इज मेकिंग पॉलीकार्बोनेट इन इंडिया सो दिस इज ए मीन्स पोलिकार्बोनेट मीन्स इट इज यूज इन ऑल टाइप ऑफ ग्लासेस लाइक वॉट माई स्पेक्स के जो ग्लासेस हैं फिर हेलमेट के जो शील्ड्स हैं ऑल दिस आर मल्टीपल यूज

सो थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैप में लिया आज वो हंड्रेड करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट मीन्स उसको इफ़ यू एनोलाइज दैट इट वुड बी अराउंड फोर फाइव हंड्रेड करोड़ प्रॉफिट सो आई थिंक आपको मेरा ये टेक होम मैसेज मेरा इसमें यही था आई एम हैप्पी विद माई आई वॉज हैप्पी विद माई दिस बालाजी एम आई बट माई टेक होम मैसेज कि रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्मॉल रेड फ्लैग यू शुड सी वाइडर ग्रीन फ्लैग सो so, सिमिलरली uh, एक और कंपनी जैसे आप देखेंगे जो प्रमोटर बेस पे मैंने काफी कंपनियां जो आइडेंटिफाई किया है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज सो आई वाज कैजली मीन्स आई वाज रीडिंग अबाउट इट्स प्रमोटर दे स्टार्टेड बिजनेस वेरी लॉन्ग बैक ही प्रमोटर इज मिस्टर जटिया इज फ्रॉम आई थिंक अनूप जटिया इज फ्रॉम जैपान एंड ही केम बैक टू इंडिया एंड ई स्टार्टेड ट्रेडिंग बिजनेस सो ट्रेडिंग से नाउ इज मूविंग टू मैन्युफैक्चरिंग सो वॉट आई रियलाइज उनका स्ट्रेटेजी ये ये आई थिंक आई वॉट इट समेर अराउंड वन थर्टी रुपीज आई थिंक सिक्स हंड्रेड करोड़ मार्केट के ऑलमोस्ट वन ईयर इज वन वन ईयर बैक बट आई लाइक हिज स्ट्रेटेजी देट ये क्या करते हैं ट्रेडिंग करके एक बिजनेस सेटअप करते हैं एंड mm -hmm. uh, वो बिजनेस जब सेट हो जाता है तब उसका मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हैं सो देर इज नथिंग रॉन्ग मी लाइक सेवेंटी फाइव परसेंट प्रमोटर के पास है ऑलमोस्ट वेरी लो डेट कंपनी एंड दे आर ऑल वर्किंग ऑन इंपोर्ट सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स सारे इनके प्रोडक्ट्स जो होंगे आप देखेंगे टाइल्स एडेसिव इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है सो इंपोर्ट सब्सिट्यूट है दे आर आई थिंक क्वार्टरली प्रॉफिट इज अराउंड टेन करोड फ्रॉम अराउंड टू थ्री करोड़ समू थ्री फोर ईयर्स बैक सो विध टेन करोड्स मीन लाइक एनुअल प्रॉफिट ऑफ फोर्टी फिफ्टी करोड सो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट दे विल ग्रो वेरी फास्ट वंस दे हैव द गुड अमाउंट ऑफ मनी ग्रो वेरी फास्ट एंड दिस डेट फ्री टाइप ऑफ इज़ जहाँ पेन दिस रेट आर इंक्रीजिंग एंड पीपल आर पीपल आर एज अबाउट फ्यूचर ग्रोथ एंड आई थिंक डेट फ्री थिंक दिस इज नॉट है सो दिज आर ऑल सो दे आर डूइंग आई रियलाइज की दे आर देस विदाउट डेट दे आर एक्सपांडिंग सो सेम इज विद द ज्योति रिजन की हार्डली दे आर यूटिलाईजिंग मीन्स दिस टाइप ऑफ कंपनी आई लाइक की दे आर एक्सपांडिंग विदाउट डेट तो मुझे अभी तो इतने एग्जाम्पल्स में अभी तो बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे आने वाले हैं तो पहली बार तो मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये जो शेयर बता रहे हैं इनका पोजीशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो आप में से कोई भी जैसा कि इन्होंने पहले ही बोल दिया था किसी के बोलने पे शेयर नहीं लेना है खुद का होमवर्क करना है तो हम यहाँ पर प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं ठीक है तो आप प्रोसेस समझेगा तो सर एक बार थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पे आते हैं देन विल टेक मोर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको पेन डाउन करने बोलूँ दैट डूज एंड डोंट्स फॉर स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग से आई थिंक डूज में बताता हूँ फर्स्ट थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज की फाइंड आउट अबाउट द प्रमोटर

तत्व चिंतन ठीक है मैंने उनसे बात किया नेक्स्ट डे आई मेट अनदर केमिकल विद पर्सन केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर सो आई थॉट इंडिया जैसी जगह में चौबीस घंटे के आग, ड्यूरेशन में एक <laughs> ही आदमी के बारे में दो लोग बोलते तो दिस कंपनी नीड्स टू बी सीन एब्सोल्युटली फिर देन मैंने इसका रिसेंटली लिस्टेड है मैंने इसका डीआरएचपी पढ़ा आप हाँ. उसका प्रोडक्ट प्रोफाइल देखेंगे हाँ. आप मिस सी अनदर थीम विच आई कैन आई मीन विच आई थिंक वुड बी मीन्स वेरी अपकमिंग गुड थीम वुड बी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दिस पॉल्यूशन एंड दिस जीरो लिक्विड हाँ यस yes, यस हाँ. yes, हाँ. तो आप इसके प्रोडक्ट देखेंगे दे आर हैविंग सम फोर फाइव कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स सो वन इज दिस जिओलाइट, सो मैंने आप इसका जियो लाइट का जो कंसेप्ट uh, है वो मीन्स इसका प्रोडक्ट समझने के लिए मेरे को आई ऑलमोस्ट सेवन एट डेज सो जब भी मीन्स जब बी एस सिक्स इंजन बी एस सेवन इंजनस सो so, उसमें जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए uh, प्रोडक्ट्स लगते हैं केमिकल्स

आगे जाके आज नहीं तीन पांच साल छह साल दस साल बाद बैटरी वुड बी बिग से yeah. बैटरी में आप देखिए तत्व चिंतन है इनका रिसर्च आर एनडी सुन एंड देर एक्सपांडिंग डबल बाय आई थिंक बाय दिसंबर एंड देखिंग पी एच डी पीपल दे आर हैविंग तो बाय एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज होता है हाँ हां पीएचडी सम टाइम्स सम कंपनी डिस्क्लोज देन हाउ मच दे आर स्पेंडिंग इन आरएनडी ओके आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर बट आई थिंक दिस तत्वचिंतन दे दे इंक्रीज देयर पीएचडी कैंडिडेट रिसेंटली इवन दे हैव मेंशन आल्सो सो सो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट बैटरी अगर आप देखेंगे ईवी बैटरी सो

बैटरी के लिए दे आर वर्किंग एक्चुअली फ्रॉम टू मीन पी वाइज अगर आप देखेंगे तो वेरी कॉस्टली बट दिज आर समाइक आई थिंक दिस कैन बी ए फ्यूचर ब्लू चिप दिस कैन बी सो आई थिंक दिस इनवाटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें अगेन देर इज अ वन कंपनी मेरे ख्याल से सब लोग उससे उस, उस पर निगेटिव यश पक्का सब लोग एवरी वन इज नेगेटिव बिकॉज दे आर हैविंग प्रमोटर इज हैविंग हंड्रेड परसेंट प्लेस शेयर बट आई थिंक इसके प्रोडक्ट वाइज आप देखेंगे इसके दे आर हैविंग बायोडिग्रेडेबल टेबल वेयर एंड आप इसके फाइनेंशियल देखिए लास्ट क्वार्टर आई थिंक समवेयर अराउंड ट्वेल्व करोड्स का प्रॉफिट है इसका टेन ट्वेल्व करोड्स का प्रॉफिट है सो नाउ दे आर And, and this company came out from NCLT in 2016. Hmm. so जो hmm. company 2016 में NCLT से आके debt is they are reducing debt. देखिए 12 या 10 करोड़ profit है last quarter का हाँ है ना बार दस दस एक करोड़ का profit हाँ तो आप इसे देखेंगे 2000 I think 15 or 16 में they came out from NCLT hmm. and uh, now they are generating uh, somewhere around uh, 1200 rupees net profit with hmm. I think even cash flow is good and uh,

जोमेटो सम दिस delivery app एक्चुअली ये ये सब भी बनाने लग गए नो नो हाँ आ, सो अनदर थिंग no, no, हाँ, so आप इसका uh, एक कॉन कॉल सुनेंगे सी हाउ टू कोरिलेट द थिंग्स टू थाउजेंड ट्वेंटी एट का एक कॉन कॉल इसका है टू थाउजेंड नो नॉट टू थाउजेंड ट्वेंटी एट टू जीरो टू वन का कॉन कॉल सो so, उसमें आई रिमेंबर पेज नंबर सिक्स में देव देव रिटर्न देव टोल देट दे आर डेवलपिंग सम पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग फॉर पास्ता एंड नूडल्स सो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग फॉर पास्ता एंड नूडल्स एंड सेम वेम डे सम सेम डे और नेक्स्ट डे आई सॉ समवेयर अबाउट नेस्ले नेस्ले इज़ कमिटेड टू डेवलप Uh, this uh, to uh, develop this uh, biodegradable packaging for is pasta and noodle. So, I am not telling that it is developing for uh, Nestle, but what I am telling you MNC, Nestle MNC, they are <coughs> focusing on biodegradable packaging and yes, Pakka is also developing. You they page number 6 if I am not wrong, page number 6 on call they have written that we are developing. Uh, पैकेजिंग फॉर दिस नूडल्स एंड पास्ता एंड आई थिंक देयर पायलट प्रोजेक्ट इज प्रॉब्ली विल स्टार्ट इन 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड कमर्शियल प्रोडक्शन फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो दिस दे आर डूइंग सो बेसिकली हाँ सो वॉट आई वे वॉज टेलिंग कि आप इनके अगर एयरपोर्ट्स में जाएंगे तो आपको येलो कलर्स की प्लेट दिखेंगे दे और बायोडिग्रेडेबल प्लेट फॉर चक फ्यू डेज बैक आई वेंट टू छप्पन दुकान इंदौर सो जो मुझे प्लेट्स दिया उसमें देखा मैंने जस्ट येलो प्लेट देख के आई कोड रियलाइज दैट इट इज़ चक देन आई सॉ देट ब्रांड सो इट वॉज चक एक्चुअली सो नाउ इट इज रीचिंग टू ऑल आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड नाउ दे आर फोकसिंग टू यू एस मार्केट ऑल्सो सो आई थिंक अच्छा पेपर इंडस्ट्री में जहाँ तक मेरा नॉलेज ओनली थ्री कंपनीज आर हैविंग मोर देन ट्वेंटी परसेंट दिस एबिटा मार्जिन वन इज जेके पेपर सेकंड इज साटे इंडस्ट्रीज थर्ड इज दिस पक्का सो साटे इंडस्ट्रीज अनदर मीन्स आई रोट ए थर्ड अबाउट साटे इंडस्ट्रीज साटे इंडस्ट्रीज इज अनदर ए इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आई लाइक दैट कंपनी वेरी मच बिकॉज फर्स्ट थिंग की नाइनटीन एटी फाइव में इसके जो प्रमोटर है डॉक्टर इज अ एमबीबीएस डॉक्टर डॉक्टर अजय साटिया स्टार्टेड दिस कंपनी साटिया इंडस्ट्रीज सो वॉट अबाउट साटिया एंड यश पक्का दट दे आर हूविंग लाइक जेके पेपर दे आर छोटा छोटा कंपनी है लेकिन दे आर इंडिविजुअली ओन कंपनी एंड सेल्फ सस्टेनेबल मीन्स दे आर हैविंग देयर ओन पल्प दे आर हैविंग देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सो सेम भी सा, साटे एनर्जी सा, साटे एनर्जी का आप कौन कॉल पढ़ेंगे सो दे टोल देट उनका जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कॉस्ट है इट इज़ टू रुपीज पर यूनिट एज कंपेयर टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जहाँ पे सात या आठ रुपए सो

सो so स्लोली ये एब्जॉर्व करता है एंड इट हेल्प्स इन यूकलिप्टिस ट्री टू ग्रो ऑल्सो सो देयर प्लान इज कि आगे जाके अगर पल्प का अभी तो नाउ दे आर टेकिंग दिस वुड चिप्स एंड फ्रॉम मार्केट और एंड दे आर मेकिंग दिस पल्प नाउ देयर प्लान इज़ कि अगर फ्यूचर में जाके कुछ पल्प का प्रॉब्लम होता है तो यूकलिप्टिस ट्री जो फाइव फिफ्टी एकर्स में है एकर्स और हेक्टेयर समथिंग

आगे जाके सक्सेस होते हैं नहीं होते हैं देट इज़ अनादर डिफरेंट थिंग बट द वे देर थॉट प्रोसेस मीन्स आई एडमायर देट थॉट प्रोसेस कि अभी साटिया ने दे हैव स्टार्टेड दिस सेम बायोडिग्रेडेबल कटलरी बिजनेस वॉट यश इज हैविंग सो दे आर हैविंग नाउ टाई अप विद जूम जेड यू एम ई जूम इज ए मल्टी नेशनल बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर जूम so if you see the Zoom ka website means they are having all type of biodegradable products only so now they are having uh, tie up with zoom and according to i mean they, uh, they are planning with two machines and slowly they, they will increase to 10 machines so it is a expanding business so i think this is also means this paper business paper packaging business से दो साल तीन साल पहले लोगों ने पेपर को राइट ऑफ कर दिया था बिकॉज की बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन बट यू सी नाउ अमेजोन बिकॉज ऑफ दिस ई कॉमर्स पेपर्स यूजेस एंड दिस सिंगल प्लास्टिक बैन जब भी आता है तो इनका पेपर का यूजेज वुड बी ट्रिमेंडस सो आई थिंक दिस आर सम ये देखिए आप ये दिस आर साटे इंडस्ट्रीज सेम प्लेट्स लाइक चक सो दिज आर ऑल बायोडिग्रेडेबल जस्ट थ्रो इट एंड विद इन सिक्सटी डेज इट विल डिसग्रेट सर मैंने एक चीज देखा है कंपनी का वेबसाइट पे जाओ ना तो कंपनी का कैरेक्टर समझ में आ जाता है छिपा कितना आ रहा है चेहरा होता है ना तो कंपनी में प्रॉब्लम है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है सबसे पहले किसी भी कंपनी में जाके वेबसाइट देखता हूँ खर्चा किया है क्या इन्फॉर्मेशन दिया है क्या ये सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि इन्वेस्टर सेक्शन को इन लोगों ने मेंटेन कर रखा है क्या यस 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 एंड आप ये देखिए इतनी छोटी छोटी कंपनी आया 200 सौ ढाई करोड़ मार्केट कैप की एंड दे दे स्टार्टेड डूइंग कॉन कॉल ऑन रेगुलर बेसिस सो दिज आर द थिंग्स सम सम थिंग्स विच आई अप्रिशिएट एक्चुअली बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू हाइड एनी आप यश पक्का का कॉन कॉल एक दो आई थिंक टू क्वार्टर्स बैक दे वॉज अ कॉन कॉल एंड दिस दैट कॉन कॉल वॉज लास्टेड फॉर टू आवर्स बिकॉज प्रमोटेड ओल मी की जब तक लास्ट क्वेश्चन खत्म नहीं होता तब तक विल नॉट स्टॉप दिस कॉर्न कॉल सो दैट टाइप ऑफ क्लियरिटी सी शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस इज ए डिफरेंट थिंग बट दैट टाइप ऑफ क्लियरिटी आई मीन्स आई लाइक एक्चुअली एज ए इन्वेस्टर बराबर है सो दिस आई थिंक दिस कॉन कॉल एंड फॉर मी ना दिस कॉर्न कॉल एंड इन्वेस्टर पेसेंट फॉर एग्जाम्पल देर इज वन कंपनी बजाज स्टील आई इन्वेस्टेड बिकॉज इसका मैंने क्रेडिट रिपोर्ट देखा है बिकॉज जी आई मोस्ट ऑफ द कंपनी आई सी दैट क्रेडिट रिपोर्ट बिकॉज क्रेडिट रिपोर्ट कुछ ऐसा चीज़ होता है कि ब्रोकरेज से आप देखेंगे या कोई ब्रोकर हाउस वो तो बाय या सेल बोलेंगे बट क्रेडिट रिपोर्ट आप देखेंगे ये उसका पूरा एनालिसिस करके आपको बताएगा कि क्या कंडीशन है आप उसका एक टू uh, और टू का क्रेडिट रिपोर्ट देखेंगे उसमें वॉट देअ रिटर्न दैट दे आर फोकसिंग ऑन हाई मार्जिन बिजनेस राधर देन लो मार्जिन बिजनेस सो एक्सपोर्ट बिजनेस में टू फोर्टी रुपीज का था आई थिंक वेरी स्मॉल मार्केट कैप ना टू फोर्टी रुपीज अभी तो छह सौ रुपये बिकॉज देर वॉज नो कम्युनिकेशन विदेस्टर्स क्योंकि एक इन्वेस्टर कम्युनिकेशन मीन सी बालाजी एम आइ स्टिल आई एम होल्डिंग यश पक्का बालाजी एम आईस टेन टाइम्स होने के बाद भी स्टिल आई एम होल्डिंग बिकॉज दे आर हैविंग कम्युनिकेशन विदर होल्डर्स आई नो वॉट आर देयर प्लान्स हियर देर वॉज नो कम्युनिकेशन आई एक्सेप्ट दैट एनुअल रिपोर्ट देर वॉज नथिंग नो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सो अनदर थिंग मीन्स काफ़ी लोग पूछ, पूछते हैं मेरे से कि वॉट शुड बी एग्जिट स्ट्रेटेजी सो माई एग्जिट स्ट्रेटेजी

लेकिन जहाँ पे आपको कंपनी के बारे में ही नहीं पता है क्या कर रहे हैं क्या आगे फ्यूचर प्लान है तो देन आई थिंक एक uh, थोड़ा हैंडसम प्रॉफिट आया तो जनरली आई मेक एग्जिट सेम विद यशो इंडस्ट्रीज यशो इंडस्ट्री आई बॉट वेन इट्स इट शिफ्टेड टू एस एम ए टू मेन बोर्ड वन फोर्टी रुपीज यशो इंडस्ट्रीज एंड आई रोट ए नोट बिग नोट ओनली फिर देन आई वॉज हैविंग सम क्वेरीज एक्चुअली i uh, miss uh, i sent a query email also uh, but uh, b two or three times i tried actually but they ne never responded so i sold at 600 rupees now it is 1500 1600 rupees means almost last if you see last uh, one year it is appreciated by almost 10 times yes so industries yes yeah, sure but no regret because uh, when there is no clarity mm. from the uh, what companies doing uh, last one uh, two years

उसके बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर आ गए सो इट इज नाउ इट वेंट अप टू थाउजेंड रुपीज नाउ करेक्टेड टू वन थ्री बट आई डोंट टू इन्वेस्ट अभी नाउ देव नाउंड आई सेंड टू थ्री और थ्री मेल्स रिगार्डिंग बट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में तो जो उनको दिखाना है वो दिखाते हैं बट व्हाट वी वांट

सो आई थिंक इस कंपनी में जस्ट बिकॉज की प्रमोटर के पुराने केसेस हैं रिलेटेड टू सम चेक बाउंस और ये सब वो आई थिंक

कोई परफेक्ट नहीं होता थोड़ा बहुत कमी सब में अरे आप मेरा गूगल रिव्यू देखेंगे ना डॉक्टर एज ए डॉक्टर आई थिंक सम 125 30 रिव्यू है उसमें दो रिव्यू खराब भी है लेकिन आप वो दो रिव्यू के बेस पे आप आप यू कॉन्ट राइट डाउन कि डॉक्टर मिश्रा खराब है और यू शुड नॉट गो टू डॉक्टर मिश्रा ब्रॉडर पिक्चर यू शुड सी वॉट ट्वेंटी बाकी के लोग क्या रिव्यू बोलते हैं किसी का भी रिव्यू आपका भी रिव्यू डालूंगा आपको भी ट्विटर पे ट्रोल करते हैं ना? <laughs> दे <देजन्मिंग की... laughs> <बड़ो> बड़। <laughs> तो सर मुझे बताइए मार्केट जब गिरता है ना जैसे अभी मार्केट में फॉल आया हुआ तो स्मॉल कैप्स भी उतना ही गिर जाते हैं या स्मॉल कैप जनरली नहीं हिलते हैं नहीं नहीं गिरते हैं ना भरपूर पिटाई होती है <laughs> <laughs> तो उस आप लोग आपका माइंड क्या रहता है जब गिर रहे हैं और आपको पता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देखिए विवेक जी आई एम ए वेरी स्टेबल पर्सन ऑल डॉक्टर्स आर वेरी स्टेबल बिकॉज आई आई एम टेलिंग यू एट द एज ऑफ ईयर्स उन्नीस साल से नाइनटीन से ट्वेंटी फोर तक एम बी बी एस किया फिर एम एस का प्रिपरेशन फिर तीन साल एम एस फिर तीन साल एम सी एच सो आई स्टार्ट अर्निंग एट द एज ऑफ थर्टी टू थर्टी थ्री ईयर्स और मेरे साथ जो मेरे इंजीनियर फ्रेंड्स थे वो उस समय रिटायरमेंट की बात करते हैं कि 45 में रिटायरमेंट लेंगे जब हम लोग ने अर्निंग चालू किया सो आवर पेशेंस लेवल इज वेरी हाई एक्चुअली कि आप जब 19 साल से लेकर चौंतीस साल तक 15 साल आप कमाते नहीं हो मीन तो स्टाइप मिलता है विच इज़ नथिंग एक्चुअली सो आपका पेशेंस लेवल वैसे ही हाई हो जाता है सो आई डोंट नो बट आई थिंक मेरा पेशेंस लेवल तो काफ़ी हाई है और इफ़ यू नो द प्रमोटर इफ यू नो कंपनीज डूइंग गुड इफ यू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस इज ओके देन गिरता है दो नावेस्टर कोई हाँ पेशेंस लेवल हाई और जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन अगर आपके पास पैसा है दो और खरीदो अदरवाइज देट ओपन द मार्केट ओनली गो टू सम देख के वो uh, मार्केट देखने के नहीं उस समय बिकॉस देन यू मे गेट सम पैनिक अटैक आल्सो इफ यू सी या, या। <laughs> तो सर गलतियां बताइए ना ये तो सही सही सब लग रहा है मेरा जो बिगेस्ट uh, जो गलती आई थिंक फर्स्ट इज नेवर इन्वेस्ट ऑन समी बडीज रिकमेंडेशन कोई भी हाँ. कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी बड़ा से बड़ा टी वी एनलिस्ट है उसके भी रिकमेंडेशन पे यू शुड नेवर 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 इन्वेस्ट नेवर इन्वेस्ट ऑन द बेस ऑफ केपेक्स स्टोरी कि केपेक्स हम इतना करेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे आई थिंक रादर देन आई थिंक इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस आप देखिए प्रमोटर क्या कर रहा है और कितना डिलीवर कर रहा है एंड स्लोली इन्वेस्ट इफ़ यू आर कंफर्टेबल लाइक बालाजी एम आई बॉट इन स्टार्टेड बॉइंग एट समवेयर अराउंड फोर बट देट टाइम आई डिट इन्वेस्ट इन मनी इन दैट बालाजी एम बिकॉज आई यूस टू सी कि वॉट इज़ प्रामिसिंग एंड वॉट इज डिलीवरिंग सो ये दूसरा चीज़ जो मेरे को लगता है आई मे बी रॉन्ग बट कोई कंपनी एकदम हाइस्ट मार्जिन पर अगर uh, ट्रेड कर रही है मीन्स सपोज सम कंपनीज ट्रेडिंग है फोर्टी परसेंट मार्जिन एंड यू इन्वेस्ट कि इतना हाई मार्जिन पे अच्छा कंपनी है तो आई वई वुड नेवर इन्वेस्ट इन हायर मार्जिन बिकॉज उस हायर मार्जिन से और आगे हायर जाना वुड भी डिफिकल्ट बट उससे नीचे आने का मार्जिन नीचे आने का चांसेस आर मोर सो आई डोंट नॉर्मली ट्राई टू इन्वेस्ट इन वेरी हाई मार्जिन बिजनेस वेयर विजिबिलिटी इज नॉट देयर बिकॉज जनरली कॉम्पिटिशन या कुछ करके ना आई थिंक दैट मार्जिन में कम डाउन देन आप देखेंगे कि सुप्रिया लाइफ साइंसेस mm -hmm. uh, जब भी लिस्ट हुआ तो इट वॉज ऑन द वेरी हाई मार्जिन एक्चुअली उसका नेक्स्ट क्वार्टर में मार्जिन्स डिटोरेटेड सिग्निफिकेंटली हाँ सो आप इसके देखिए जब ये लिस्ट हुई तो मार्जिन्स uh, काफी मीन्स काफी ज्यादा मार्जिन्स थे एंड नेक्स्ट रिजल्ट में इसके मार्जिन केम डाउन इन स्टॉक ऑल्सो केम डाउन सो देट वॉज नॉट द आइडियल टाइम फॉर इन्वेस्टिंग बट नाउ लोअर मार्जिन फॉर हिस्टोरिकली आपके मार्जिन हाई है और hmm. एक बार लोअर मार्जिन हिट करता है तो देट इज अ बेटर टाइम फॉर इन्वेस्टिंग अभी अभी आई थिंक देर मार्जिन आर ऑन द डाउन है थर्टी देखिए आप कितने जैसे चार सौ करोड़ का सेल्स है आप हाँ, 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 तो। और मार्जिन तो इम्प्रूव क्वार्टर रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट का दिसंबर क्वार्टर का तो एक सौ करोड़ का सेल्स है और इसका जो पैट है वो चालीस करोड़ का पैट और उसके पहले का एट लिस्टिंग का डेटा समा इसमें आ नहीं रहा है उसमें आप देखिए मार्जिन काफी हाई थे एंड hmm. जो लिस्टिंग के बाद पहला जो रिजल्ट था hmm. आ, उसमें काफी मार्जिन डाउन होता है तो इस ताक, इस ताक hmm. Hmm. लेकिन कुछ बिजनेस ऐसा है जो मेरे को लगता है ये रहा सर पैट मार्जिन की बात कर रहे ना सर अपने पैट मार्जिन की बात कर हैं ना एबिटा मार्जिन एबिटा मार्जिन आ. ये रहा सर तो आ, एबिटा मार्जिन इसका 2012-13 में तेरह में बिफोर लिस्टिंग लिस्टिंग तो कब हुआ है सर

अनदर थिंग इज की वॉट मीन्स जहाँ पे प्रमोटर का मीन्स अगर इफ प्रमोटर इज़ नॉट विलिंग टू गिव यू टाइम देट शेयर आई डोट वॉन्ट टू इन्वेस्ट सम प्रोमोटर ना आई गो इन मीट देर सम कंपनीज ना इफ़ आई सेंट ए मेल ना दे रिप्लाई ऑल्सो सो जहाँ पे प्रोमोटर इज नॉट रेडी टू टॉक विद यू ना आई वॉन्ट लाइक टू इन्वेस्ट प्रोमोटर कितने लोगों से बात करेगा uh, नहीं बट मेरे ख्याल से कम से कम एटलीस्ट Uh, जो इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर है ना एटलीस्ट दे शुड गिव कुछ रिप्लाई so, तो देना हाँ, रिप्लाई देना चाहिए सो जहाँ पे शेयर कोई ले रखा वो भी मेल इतना बड़ा बड़ा मेल भेजेगा वो लोग भी तो परेशान होता है नहीं नहीं नॉट मेरे देयर आई एम हैविंग सम फ्रेंड्स हैविंग गुड नंबर ऑफ शेयर्स उनको भी रिप्लाई नहीं देते सो दैट टाइप ऑफ कंपनी आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट प्रॉब्लम वही है कि इंडिया में क्या है ना आपको इतना फैसिलिटी मिलता है आप इतना उठाना चाहते रहे है। <laughs> हैं तो सौ शेयर वाला भी इतना बड़ा बड़ा मेल भेज देगा तो अल्टीमेटली कंपनी लोग बोलते हैं माय माय थिंकिंग इज कम्युनिकेशन शुड बी देयर बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर देखिए एक और कंपनी है पूरा सब ट्रोल करते उसको मोरपेन uh, एकदम लोगों का वेल्थ well डिस्ट्रॉय कर दिया इसने मोरपेन morpe laboratories तो हाँ 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 i am invested from 8 10 rupees se ye 70 tak gaya tha abhi wapas correct ho gaya 39 40 aa gaya hai aap dekhiye ye company was itska peak date was around 700 crores in 2008 in 2008 ha 700 crores now this company is debt free and if you see now they are having एंड डिस्पाइट इन चारो मॉलिक्यूल में देर आर मेनी बिग कंपनीजिल दिस कंपनी इज है टू पोजिशन इन ए पी आई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रीडियंट सो यू बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी एंड कॉस्ट कंट्रोल में सर एंड दिस मोन्टेलुकाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज मेडिसिन आपको भी अगर सर्दी खांसी कभी होती है तो डॉक्टर मोन्टेल्सी देता होगा तो देट इज मोन्टेलुकास एंड मोन्टेलुकास का दिस इज द नंबर वन इन इंडिया अच्छा सो वॉट आई एम टेलिंग यू प्रमोटर का पास्ट है ठीक है उसका खराब है वेल डिस्ट्रॉय हुआ है लेकिन आप देखिए आपने उसने मीन्स वो ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस छोड़ के भाग गया दिवालिया डिक्लेयर किया उसके बाद भी स्ट्रगल करके कंपनीज नाउ जीरो डेट कंपनी उसके चार मॉलिक्यूल दे आर वन ऑफ द टॉप सेलिंग मॉलिक्यूल ए पी मॉलिक्यूल इन इंडिया डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ मेनी मल्टी देन आप उसके बीपी मॉनिटर ग्लूकोमीटर सब आप देखिए सब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस मेडिकल स्टोर्स सो आई थिंक प्रोमोटर के पास हिस्ट्री के बेस पे आप उसको एकदम राइट ऑफ नहीं करना चाहिए अच्छा हाँ अनादर मैं आपको रिसेंट मेरा ब्लंडर बताता हूँ uh, क्या नहीं करना चाहिए लाइक सिक्वेंट सिक्वेंट साइंटिफिक सो ये मेरा एक और लर्निंग है मेरा पास्ट मिस्टेक के बाद भी रिसेंट का मिस्टेक मैंने कभी भी इसको डिटेल में जाकर देखा नहीं सिक्वेंस साइंटिफिक आई नेवर वेंट इन टू वैल्यूएशन एंड वन ऑफ माई गुड फ्रेंड ही टोल्ड मी की बाय दिस वेरी गुड कंपनी दिस कार्लेट बॉट दिस दे विल डू द वो ऐसा ऐसा सो आई बॉट दिस कंपनी वॉट एपन मीन्स आई बॉट समवेयर वेर अराउंड एटी नाइनटी रुपीज उसके बाद ये शायद तीन सौ तक गया hmm. अभी वापस एक सौ दस एक सौ बीस आ गया बिकॉज वैल्युएशन uh, इतने हाई थे ट्विटर में एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट सिक्वेंट सिक्वेंट कुछ लोगों ने तो ऐसा है कि uh, कुत्तों के साथ अपने फोटो खिंचवा के ट्विटर पर डाले सो so, <laughs> जब ये सब होने लगे ना तो आई थिंक यू शुड ट्राई टू ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंपनी जहाँ पे एवरीबडी इज टॉकिंग मीन्स सब जब सब एनैलिस्ट हो जाते एक ही पर्टिकुलर कंपनी के बारे में एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंट स्वीकेंट सो आई मैंने केवल आई नेवर स्टडीड इन डिटेल एंड आई बॉट दिस वॉज माई रिसेंट मिस्टेक सी डिस्पाइट नोइंग माई मिस्टेक प्रीवियस मिस्टेक ये फिर मेरा एक मिस्टेक था सो so, तो मिस्टेक्स तो होंगी हाँ सो so मिस्टेक तो होंगी और यू शुड नो वॉट मीन्स इसलिए मैंने सिक्वेंट को रखा है सो so, अभी नाउ सिक्वेंट एंड से इंडस्ट्री दिस आर टू माई मिस्टेक्स स्टिल माई ऑन माई दिस एप सो वेन आई सी देन आई रियलाइज की भाई ये मिस्टेक नहीं करना है so किसी का यस 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 बाकी yes, सारा में मिस्टेक जो है वो आपने या तो करेक्ट कर लिया था क्या हाँ, वो मिस्टेक नहीं थे हाँ, क्योंकि आपने अपनी yeah, सुनी थी या हाँ, yeah. खुद का सुनो तो आई थिंक थिंग्स वुड बी बेटर स्टिल स्मॉल कैप माइक्रो कैप में रिस्क तो रहता है बट स्टिल एटलीस्ट कम से कम ये संतोष तो रहता है कि आपकी गलती से आपका पैसा गया इधर क्या ये आप दूसरों के कहने पर आपका पैसा गया तो काफी एक्चुअली दुख होता है एक्चुअली सो so, ये सब मिस्टेक्स हैं एक्चुअली एंड मोर यू मीन्स मोर टाइम यू स्पेंड इन शेयर मार्केट मोर मिस्टेक विल कम टू नो एक्चुअली सो अभी चार पाँच पाँच साल का मेरा एक्टिव करियर है आगे शायद पाँच साल बाद आप इंटरव्यू लेंगे तो मैं और मिस्टेक्स बताऊंगा क्या, क्या क्या मेरा कि <laughs> आप भी श्योर है कि मिस्टेक्स तो आ, करेंगे या, 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 मिस्टेक ह्यूमन बीइंग है सबसे मिस्टेक्स होता है नोबडी इज़ परफेक्ट एक्चुअली सर hmm. ये सब तो पुरानी स्टोरी से, थोड़ा yeah. कुछ लेटेस्ट में अगर कुछ किया हो तो लेटेस्ट uh, में आप देखेंगे तो देखिए एक लास्ट वन ईयर सिक्स ईयर से आई एम बाइंग पिटी इंडस्ट्रीज सो वेरी स्मॉल बट आई थिंक दिस इज एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट हाँ पिटी इंजीनियरिंग पिटी इंजीनियरिंग सो आई थिंक दे करोड़ क्वार्टरली प्रॉफिट

आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज सो जब भी मैं आया था एंड वेरी आई वॉज वेरी ऑर्डनरी स्टूडेंट आई वोट यू वोट विलयू माई ट्वेल्व परसेंटेज थे अराउंड सिक्सटी एट परसेंट सो सब लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था इसका कुछ नहीं हो सकता सो आई केम टू इंदौर सो इंदौर में जो कोचिंग क्लास विच आई ज्वाइन देअर अभ्यंकर कोचिंग क्लासेस सो उस समय दो कोचिंग क्लासेस थी खरे एंड अभ्यंकर सो आई ज्वाइन बहुत कोचिंग क्लासेज सो आई वेंट टू देट अभ्यंकर क्लासेस सो पहला दिन सर का uh, see, आ, आज की क्लासेज जैसा नहीं होता था बड़ा हॉल होता था 400 500 लोग बैठते थे और सर यूज टू टीच फ्रॉम जैसा स्टेट से uh, पढ़ाते थे आते आते साथ ही पहले दिन uh, उनका सेंटेंस था कि दिल में कुछ भी करने के लिए आग होना चाहिए अगर दिल में आग है तो तुम कुछ भी कर सकते हो सो so, और डेली यूज टू टेल्सम वर्ड्स ऑन एट द्लास सो वो सुन के ना ऐसा अंदर से वो आप बोलेंगे ना आग सही में आग लगने लगा था तो ऐसा जो एक पैशन डेवलप हुआ था पढ़ाई के लिए उस समय सो यू वोट बिलीव मीन्स आई स्टूड सिक्स इन एम पी प्री मेडिकल टेस्ट सो लोगों को ऐसा लगा कि इसने इसके पिताजी ने पैसा ऐसा खिला केड इन दिस प्री मेडिकल टेस्ट फिर वेन आई वॉज सिलेक्टेड इन ऑल इंडिया ऑल्सो तभी लोगों को लगा कि दो जगह तो पैसा खिला नहीं सकता है सो दट ही डिट हार्ड वर्क इसलिए वो सिलेक्ट हुआ सो वो मेरे जो अभ्यंकर सर के जो वर्स थे कि, कि किसी भी चीज को काम करने के लिए आग होना चाहिए सो so, जब भी मैं ये पढ़ता हूँ ना तो आई कीप ऑन आप देखिए मैं थ्रेड लिखता क्यों हूँ उसका कंसेप्ट क्या है आप ट्विटर पर कोई भी थ्रेड लिखेंगे सो so, आपको यू विल गेव सम पॉजिटिव फीडबैक निगेटिव फीडबैक जब आप कोई भी शेयर खरीदते तो आपका माइंड सेट रहता है कि हाँ मेरा शेयर अच्छा है आपको वो जो उसमें नेगेटिव फीडबैक मिलता है ना समटाइम यू कंट सी द नेगेटिव थिंग्स वेन यू आर इन्वेस्टेड जब उसमें आपको नेगेटिव फीडबैक्स देते हैं काफ़ी लोग सो देट इज ए मीन वो आपको एक आइडिया देता है कि दिस इज ए नेगेटिव फीडबैक इन दिस कंपनी विच प्रॉबली आई हैव नॉट नॉट सीन आप उसको एनालिसिस कीजिए कि उसमें uh, एक्चुअली कुछ नेगेटिव है और इससे माइनर रेड फ्लैग एंड आई कीप ऑन राइटिंग दूसरा क्या होता है अभी जैसे पिटिनिंग का कॉन कॉल के नोट्स मैंने डाले ट्विटर mm. पे mm. उसको आगे अगले कॉन कॉल के जब भी होता है तभी तो वो पुराने नोट्स पढ़ता हूँ कि व्हाट दे डिड दे लास्ट दे टोल्ड whether दे परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस तो क्योंकि आपको अदरवाइज यू वोंट रिमेंबर पुराना वाला क्या बोला है? तो दिस वॉज द आइडिया फॉर ट्विटर थ्रेड अनदर अनादर थिंक कॉन कॉल से क्या अभी ये कंपनी दिस इज इन इलेक्ट्रिकल स्टील लेमिनेशन काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इंडक्शन ट्रैक्शन मोटर्स में बनाती है अभी इसका एक रिसेंट मैंने जो कॉन कॉल सुना था वॉट दे आर मीस दे आर वॉट दे टोल देट कि उनका जो प्रोडक्ट है उनका जो मशीन्स है इट विल बी यूज इन कार्बन कैप्चर सो विवेक जी मैंने क्या किया है लास्ट फोर थ्री फोर ईयर्स में Uh, आप कोई भी आर्टिकल ओपन करते हैं तो उसमें आता है कि सब्सक्राइबर्स सो यू जस्ट राइट डाउन यूर ई तो आपको ई मेल जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको पूरा ऐसे कम से कम पचास आर्टिकल दिखेंगे कि आइदर आप जो सब्सक्राइब इटी रियलिटी इटी एनर्जी देन मिंट के आर्टिकल देन वेरियस अदर आर्टिकल्स सो

टाटा जमशेदपुर कार्बन कैप्चर हाँ, hmm. कार्बन सीओ टू कैप्चर सो so, आगे जाके यही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में दिस वुड बी अ बिग थिंग आई फील सो पिट्टी का जब भी सो आई वाज हैविंग दिस थिंग इन माय माइंड कि देर इज समथिंग लाइक कार्बन कैप्चर पिट्टी इंजीनियरिंग का कॉन कॉल दो पहले का कॉन कॉल आप सुनेंगे तो उसमें कि देयर प्रोडक्ट वुड बी यूज इन अपकमिंग इंडस्ट्री विच इज अ कार्बन कैप्चर सो अभी राइट नो नो बट इज टॉकिंग अबाउट कार्बन कैप्चर आज से एक दो साल बाद जब भी कार्बन कैप्चर के बारे में कोई बात करेगा तो पिट्टी के प्रोडक्ट्स यूज होने वाले हैं सो दिस आर ऑल फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट कार्बन कैप्चर सो दिस आई बॉट एक्चुअली रिसेंटली पिट्टी इंजीनियरिंग देन अनादर इज दिस वरेंडल लर्निंग एक्चुअली वेरी इट्स ए फिफ्टीन करोड़ नेट सेल की कंपनी है विद लॉस मेकिंग मार्केट के भी थाउजेंड करोड़ बट आई लाइक आई आई सॉ इट्स प्रमोटर्स इंटरव्यू वॉट दे आर डूइंग दे आर डूइंग लाइक बाइजूस मीन्स उनका कंसेप्ट इज हाइब्रिड क्लासेस नॉट ओनली ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस हाइब्रिड क्लासेस बट देयर फोकस इज ऑन रूरल इंडिया सी वे लास्ट फ्यू मीन्स आई लाइक सम कंपनीज Which are focusing on rural India. So, they, what they are doing, they are focusing on tier two, tier three city rather than on metros. So, their focus is on hybrid classes for tier two and tier three city. So, recently they acquired one company, Time T I -E M E, at 267 crore. Time, which ah, so they acquired this oh. 267 crores. So, uh, I think it is a high risk thing, but I feel that uh, promoter is doing something. Uh, good for uh, this online education uh, sector so i think this could be a good thing uh, another is recently means i am uh, actually adding at every fall is this uh, shivalik Krasan and Medicament Biotech. biotech mm. uh, very interesting thing is shivalik about shivalik rasan see shivalik rasan is started buying at uh, 240 250 uh, rupees 250 crore market gap mm. in i think uh, march april april 2010 ट्वेंटी एथ सो इसके बारे में आप आई विल जस्ट टेल यू एक्चुअली हाउ दिस कंपनी केम टू माई रेडार एक्चुअली दिस इफ यू सी आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द प्रोमोटर्स हिस्ट्री सो प्रोमोटर इज मिस्टर राहुल बिश्नोई तो उनका जब मैंने हिस्ट्री पढ़ा टू थाउजेंड थ्री में ही एक्वाइड दिस रिश्वालिक रसायन इट वॉज अ सेक यूनिट एंड टू थाउजेंड सिक्स में इट वॉज अ प्रॉफिट मेकिंग यूनिट इन थ्री इय टर्न अराउंड हुआ प्रॉफिट मेकिंग यूनिट हुआ देन 2015 में ही एक्वायर्ड दिस मेडिकमैन बायोटेक एंड 2018 में मेडिकमैन वाज़ ऑल्सो ए प्रॉफिट मेकिंग यूनिट आई वाज़ सरप्राइज कि एक ही आदमी ने दो कंपनी को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग किया फिर अनदर थिंग इंटरेस्टिंग थिंग विच आई लाइक इस कि उनका आर टीम में शिल्पा मेडिकयर विच वॉज देट टाइम अराउंड फोर करोड़ मार्केट के कंपनी टू थाउजेंड करोड़ मार्केट के कंपनी उसका आर एन हेड डॉक्टर विमल शारवत हैज ज्वाइन इन टू दिस टीम जब भी इसका मार्केट कैप 200 करोड़ था तो आई वाज सिंगिंग 2500 करोड़ मार्केट कैप 3000 करोड़ का मार्केट कैप छोड़ के आदमी अगर इफ आर एन डी एनालिस्ट आर एन डी हेड इफ ज्वाइनिंग दिस स्मॉल कंपनी टू करोड़ का तो देर मज बी सम गुड थिंग देव डेवलप सम देव स्टार्टेड दे आर गोइंग टू स्टार्ट सम ए प्लांट शिवालिक रसायन एंड मेडिकमेन इज ऑन फार्मुलेशन साइड So still, that uh, plant is. I think next four, five months, six months, it will start. But I think these are some. I feel for me, these are some good bets uh, where you can uh, bet on promoter. So these are. This is my bet on promoter. Actually, Shivalik rasan and Medicament Biotech. If another thing, I will tell you interesting example. Uh, some six months, one year back, I went to some social function. देर आई मेट प्रमोटर ऑफ दिस फ्रीडम फार्मा एफ आर ई डी यू एन फ्रीडम फार्मा फ्रीडम मेरोत्रा सो वैल्यूशन वाइज वेरी हाई वेरी हाई वैल्यूशन अभी नाउ इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू नाइन हंड्रेड रुपीज एंड क्वार्टरली प्रॉफिट इज हार्डली टू वन और टू करोड़ समथिंग समथिंग लाइक देट से मेरा जो आधे घंटे का कन्वर्सेशन हुआ एंड मेरे को पूरा कैल्शियम एब्सॉर्बन द वे ही एक्सप्लेन मी

सेम वे मीन आप हिस्ट्री देखेंगे ना जेंसॉल इंजीनियरिंग का प्रमोटर इज थर्टी फाइव ईयर ओल्ड इज ए पेट्रोकेमिकल इंजीनियर ब्रदर इज ए आई आई टी एन एंड अदर दोनों ब्रदर मिल दिस जेंसॉल इंजीनियरिंग इज दर एन दिस जेंसॉल इंजीनियरिंग सो दे आर सोलर ई पी सी कॉन्ट्रैक्टर सो आप इनका हिस्ट्री देखेंगे ही स्टार्टेड बिजनेस एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन ईयर्स and uh, uh, he is from he's not a from business family his father was a uh, next to bipin rawat i think mm -hmm. lieutenant colonel p s jaggi okay so they started business means, is, means they are from uh, service industry but they started they started business at the age of 21 years इन कार्बन क्रेडिट दे स्टार्टेड कार्बन क्रेडिट बिजनेस इन में 2008 से 12 तक कार्बन क्रेडिट बिजनेस वाज वेरी गुड 2012 में कार्बन क्रेडिट के प्राइजेस क्रैश डाउन सिग्निफिकेंटली तो 2012 में दे स्टॉप दिस बिजनेस एंड स्टार्टेड दिस सोलर बिजनेस सो आई इंक्वायर विद मेनी पीपल एक्चुअली सो दे आर हैविंग गुड नेम इन सोलर ई बिजनेस प्लस अनदर थिंग इफ यू सी देयर दे आर हैविंग वन स्टार्टअप ब्लू स्मार्ट कैप It is not related to Jensol, mm. so if you see in Delhi, so you will find uh, so many blue smart caps in Delhi for airport transfer, airport to mm. Noida. So I inquire with my friends, so they are telling that it is a EV uh, four-wheeler startup yeah. with uh, no refusal of fare and uh, all good vehicles. So what they are doing, Jensol? They are recently they some ten days back they got some sanction from IRDA. Mm. Uh, so what they are doing? they are buying car from gensol uh, uh, they are uh, taking loan gensol is taking loan mm. and from that loan they are uh, buying cars for uh, blue smart and they are giving it to uh, this blue smart Achha. so what they are getting they are getting this uh, yeah. uh, uh, one is depreciation benefit plus re-rental ah. so I, I like actually i don't know whether it, they will perform or not but i think uh, अपनी तरफ से कुछ तो हाई रिस्क लेना चाहिए ना मीन्स ऑलवेज यू शुड नॉट लुक फॉर कि जो स्टेब्लिश है रिस्क नहीं है क्योंकि तो तो रिस्क लिया तभी पैसा बड़ा बनता है सो आई स्टार्टेड ट्रेकिंग इट फ्रॉम हंड्रेड एंड सिक्सटीन रुपीज आई थिंक तभी उतना ही मार्केट कैप भी था उसके बाद काफी भागा लेकिन अभी इट इज आई थिंक इट्स अ डिसेंट फंडामेंटल लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट लास्ट ईयर प्रॉफिट वॉज सेल्स वेर अराउंड सिक्सटी करोड्स दिस ईयर इज समय दे डिक्लेयर अराउंड वन फिफ्टी करोड़ सेल्स yesterday they got some order of around 35 40 crores so uh, last year entire revenue was six, 2021 fi revenue was 60 crore mm. and uh, now they have declared that uh, 150 crore would be total sale mm. and mm. yesterday's order was one uh, two uh, yesterday they declared one order of somewhere around uh, 37 38 crore mm.

आई जस्ट कीप ऑन ट्रेकिंग दिस बी एस सी अनाउंसमेंट सो वन डे आई सॉ अनाउंसमेंट दट मिस्टर चेतन शाह इज अपॉइंटेड एज ए सी एम डी इन सोलेक्स एनर्जी ये थर्टी फाइव रुपीज का एंड उसके बाद उसका प्रिफरेंशियल शेयर आया थर्टी फाइव रुपीज का बाद एक साल पहले सोलेक्स एनर्जी वेरी स्मॉल कंपनी सोलेक्स एनर्जी सो दट टाइम आई इंक्वायर विद मीन्स इन दिस गुजरात सर्कल सो वॉट आई फाउंड दट की मिस्टर चेतन शाह हुई करंट सीएमडी गुजरात में एक्चुअली जो एक, व, एक दो चार रेपुटेड कंपनी वन इज वारी सोलर वन इज दिस गोल्डी सोलर सो ही वाज़ द गोल्डी सोलर पर्सन एंड नाउ ही ज्वाइन सोलेक्स सो ही वाज़ इन गोल्डी सोलर आई थिंक फॉर इयर्स एंड वेरी नेम इन दिस सोलर सेक्टर सो वॉट आई थॉट कि वो आदमी छोड़ के इसमें आ रहा है कुछ तो कंपनी बड़ा करेगा उसके बाद देन देनाउंस एक्सपांशन प्लान नाउ दे आर फर्स्ट एक्सपांशन विल कंप्लीट इन सिक्स ट्वेंटी फाइव मेगावाट का दिस सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट इन नेक्स्ट मंथ सो दिज आर मींस दिस आर सम माइक्रोकेब दिज माइक्रोकेब वेन आई स्टार्ट तभी तो इसका शायद पैंतीस चालीस करोड़ मार्केट कैप था सो दिज आर सम माइक्रोकेब विच आई थिंक कैन बी डिसन अनादर इज न्यूज बेस आई कंटिन्यू टू रीड लॉर्ड ऑफ दिस ट्विटर न्यूज एंड माई दिस ईमेल में जो न्यूज आती हो उसका क्या फायदा होता है देन बिकॉज आई सा वन न्यूज दैट डिनोरा इटली एक्वाड थर्टी परसेंट इन सम ग्रीन ग्रीन एनर्जी बिजनेस आई डोज इलेक्ट्रो हाइडलाइजर सी दिस ग्रीन

लिस्टेड इंडियन पियर्स है डिनोरा इंडिया डिनोरा इटली जो है वो डिनोरा इंडिया इज नॉट इन ग्रीन हाइड्रोजन बट इवेंचुअली जब भी फ्यूचर में लगेगा सो दे विल प्रोवाइड सम आर एंड डी और सम रिसर्च और सम टेक्निकल सपोर्ट और एटलीस्ट ट्रेडिंग टू दिस डिनोरा इंडिया सो प्रॉबेबली आई फील दे आर नॉट इन दिस बिजनेस डिनोरा इंडिया बट आई फील दे मे गेट सम बेनिफिट दे आर बेसिकली इन अभी तो प्राइस ज एप्रिशिएटेड डीनोरा बिकॉज बिकॉज दिस इज इन क्लोर अल्कली सेगमेंट तो डिनोरा इंडिया फिर अनदर न्यूज आई वेंट थ्रू रिसली दिस इंडियन वन कंपनी हेडेड विद जॉन कॉकरेल बेल्जियम सो फॉर सेम दिस इलेक्ट्रोहाइड्रोलाइजर मीन्स हाइड्रोलिसिस uh, के लिए जो इलेक्ट्रोड्स लगते हैं उसके लिए मशीन या व्हाटएवर मशीन इज देयर सो दिस जॉन कॉकरेल इज अ बेल्जियम कंपनी बट उसका देयर इज अ लिस्टेड इंडियन कंपनी आल्सो सो राइट नाउ दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी फॉर मेकिंग दोस इलेक्ट्रोड्स और मशीन फॉर हाइड्रोलिसिस बट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर डिमांड इज देयर और डिमांड मींस

But just because of my reading habit, I could find out this some companies actually, which was known, not known in social media actually. So, these are all small, small micro Then Another small micro cap was inflame appliance. So, inflame appliance I bought uh, some one year back because uh, I saw they are focusing on this uh, chimneys. chimneys. Mm. Uh, and chimneys, uh, I think there are India, mein there are only two manufacturers. वन इज नॉन लिस्टेड दिस है एंड दिसज द सेकेंड वन एंड इट इज़ नॉट दैट इजी टू मेक बिकॉज मै ग्लास का थिकनेस वुड देर इज समेक्नोलॉजी विच इज रिक्वायर ग्लास थिकनेस शुड बी प्रॉपर सो आई वॉट बिकॉज आई सॉ दे आर हैविंग टाई अप विद सनफ्लेम लेकिन आप लास्ट वन ईयर के आप उसके अनाउंसमेंट देखेंगे सो नाउ दे आर हैविंग टाई अप विद कैफ Mm. then recently they had a tie up with uh, uh, i think uh, a brand or something so last one year may i think they are having tie up with almost 6 to 7 big brand all all almost all big brand bearing some one or two big brand they are having tie up for chimneys okay. so right now loss making but i think now they are expanding capacity also so i think um, uh, future should be good about this inflame appliance even uh, Vora invested some Good amount in recently in uh, this even right issue. Achoo, achoo. So, these are some interesting ideas, and this is basically this make in India ideas. So, I think inflame would be a big ben ben beneficiary, same like a acrysil, same like inflame appliance. So, these are some good ideas. But, but, but another thing, I am not a uh, res research analyst, I am not a fundamental analyst. And I am not a SEBI registered analyst, so don't invest on my ideas. Just you do your own research and then invest. वो तो आपने पहले ही बोल दिया आइडिया पे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा लगेगा हाँ। <laughs> तो पैसा खोना है तो इन्वेस्ट कर दो इनके आइडिया पर खोद खुद वर्क करना वो तो आपने क्लैरिफाई दिया। अच्छा अब बहुत अंदर में बहुत है आपके तो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क द लास्ट क्वेश्चन ठीक है पोर्टफोलियो में शेयर्स कितने हैं ना, 30 30 अब मैं ना सब छोटे एक दो शेयर अगर उड़ गए तो अगर मैं 10 का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखू और उसमें एक दो शेयर उड़ गए तो इट वुड बी बिग लॉस सो टू मिनिमाइज दैट लॉस आई प्ले एक्चुअली कि पैंतीस शेयर उसमें दो चार उड़ भी गए तो चलता है सो इसलिए थर्टी फाइव शेयर्स आर देयर वो सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी है बट आउटकम शुड बी कि यू शुड मेक मनी अल्टीमेट क्राइटेरिया अल्टीमेट गोल इज टू मेक मनी वेदर मीन मेरा थिंकिंगे और हंड्रेड एंड फाइव शेयर्स सबका अलग अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल होता है सो आई एम हैविंग शेयर्स सुपर सर बहुत मजा आया थैंक यू रियली रियली लेते इतना डेप्थ है आपके अंदर नॉलेज में और आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्लूज कि मेरे को क्या करना चाहिए एक्चुअली रीडिंग का कोई कोई सब्सिट्यूट हां या या एग्जैक्टली वेल्थ क्रिएशन तो रीडिंग से ही होता है और आप एकदम तो जीता जागता एग्जांपल है उसके कि जहाँ से मौका मिलता है वही पढ़ डालते हैं बीएससी साइट पढ़ लिया ईमेल पढ़ लिया कुछ अरे आपको एक एग्जांपल देता हूं आरपीएसजी वेंचर आई एम ए ओल्ड शेयर होल्डर ऑफ दिस आरपीएसजी वेंचर सो दे लॉन्च्ड दिस नेचुरल दिस शैम्पू एंड दिस कंडीशनर एंड समथिंग समथिंग लाइक दैट सो

इन मार्केट इज गिविंग देम वैल्यूशन ऑफ टेक्सटाइल कंपनी 400-500 करोड़ का मार्केट गैप है एंड वैल्यूशन उसका है एंड दे आर हैविंग 100 करोड़ का ऑफ दिस कंज्यूमर बिजनेस सही है सो अच्छा हिंदुस्तान फूड्स का मैं आप बात हुआ ना हिंदुस्तान फूड्स भी ऐसे ही मिला एक डॉटर शी इज फॉन्ड ऑफ दट नोर कसू के नो डबल आर सो वेन आई सो इट्स पैकेजिंग ना उसमें हिंदुस्तान फूड्स लिखा हुआ है सो so, वैसा वहाँ से हिंदुस्तान फूड फिर मैंने सर्च किया और मेरे को लो मार्जिन बिजनेस हाई मीन एम एन सी क्लाइंटल वैसा करके सो आई थिंक ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन शेयर मार्केट सो एक शेयर मेरे पास काफ़ी सालों से फिलिप्स uh, कार्बन वो कैलकटा uh, की कंपनी है उसका मेरा कंसेप्ट यही था कि uh, व्हीकल का डिमांड बढ़े नहीं बढ़े लेकिन टायर तो आपको बदलने साठ हज़ार किलोमीटर सत्तर हज़ार किलोमीटर में अभी दे आर इन स्पेशलिटी ब्लैक दे आर गोइंग टू स्पेशलिटी ब्लैक बट वो टायर तो आप गाड़ी चलेगी टायर तो घिसेंगे टायर घिसेंगे तो आपको बदलना तो है ही उसका डिमांड कभी कम होना ही नहीं है तो उसमें ऑल दो लोगों को लगता था कमोडिटी है बट मेरे को लगता है ये तो मीन्स इट विल ग्रो ओनली दिस फिलिप कार्वन बेट बो आई लाइक एक्चुअली दैट ग्रुप ना ऑल टूगेदर दैट जो ग्रुप है आर पी एस पी गोयन का ग्रुप आई लाइक इंटायर आप देखिए कैसे वेल्थ क्रिएशन किया है आर पी एस जी क्योंकि इनका आप ये देखेंगे हेल्दी स्नैक टू एम इट इज एटलीस्ट मुंबई में इट इज वेरी फेमस इन समेट ना इट इज वेरी फेमस ब्रांड बिकॉज इट इज अ basically they talk about uh, baked food not uh, correct fried. so correct. and now they are in this naturally segment which is a बेसिकली टॉक अबाउटीन फ्री as वॉश well as वेल एज दिस hair shampoo और उसी में तो उन्होंने टीम भी खरीदी ना हाँ यस ये उसी में 51 परसेंट पार्टनरशिप है दिस लखनऊ सुपर जॉइंट सर मतलब हो रहा है <laughs> <laughs> आज <laughs> हाँ, तो एकदम मतलब ये वीडियो मैं खुद ही देखने वाला हूँ दो बार और नोट करूंगा के कंपनी के बारे में कैसे आपने क्या बनाया मतलब बहुत ही अमेजिंग है एक समरी बनाऊंगा आपका इस वीडियो का आफ्टर फ्यू मंथ्स की क्या क्या लर्निंग थी इस वीडियो से okay. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला सो थैंक यू सो मच थैंक यू मज़ा आए थैंक यू दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए और आई एम श्योर आपको बहुत लर्निंग मिला होगा अगर नोटिंग नहीं किया है तो वीडियो देख के नोटिंग करिएगा बिकॉज स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग वो कहते हैं ना बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है <laughs> तो है तो टफ लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो बड़ा रिवॉर्डिंग हो सकता है सो द प्रोसेस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू अब आपके ऊपर है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं चलिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर दोस्तों